हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे, देखिए मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, वो अच्छे से हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अच्छे से न्यूमेरिकल भी कर लिए होंगे, न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसके न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है, आई होप आपने किए होंगे, ठीक है। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी से रिलेटेड जो अभी हमने किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी। अब ये सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, सोल्युबिलिटी देखिए, सोल्युबिलिटी क्या होती है, देखो सोल्युबिलिटी का, देखो पहले आसान भाषा में समझते हैं सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे शुगर को पानी के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, हमने अभी तक हमने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल लेते आए हैं, ठीक है, NaCl को पानी में मिला रहे हैं, ठीक है, चीनी को पानी को मिला रहे हैं, नमक को पानी में मिला। देखो ब्यूटी देखिए इन दोनों एग्जांपल की, दोनों एग्जांपल से ही हमारे सारे टॉपिक सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सभी टॉपिक में अभी तक आगे वाले आने वाले टॉपिक में भी यही एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है, नमक को पानी, क्योंकि ये क्या है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। नमक को पानी के अंदर मिलाना, चीनी को पानी के अंदर मिलाना, क्या है, ये सब डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो सोल्युबिलिटी में हम क्या कैसे इस एग्जांपल को यूज करेंगे, भाई पानी को, भाई अपने चीनी को पानी के अंदर मिला रहे हो, कि जो चीज पानी के अंदर डिजोल्व हो रही है वही क्या है आपकी सोल्युबिलिटी है। नमक को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हो, नमक को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हो, तो नमक क्या है इसका, नमक अगर पानी के अंदर डिजोल्व हो रहा है तो मतलब नमक है वो पानी के अंदर क्या है आपका सोल्युबल है। चीनी पानी के अंदर डिजोल्व हो रही है तो इसका मतलब चीनी वो क्या, चीनी क्या है पानी के अंदर सोल्युबल है। जो चीज, जो सोल्यूट सोलवेंट के अंदर, जो चीज सोलवेंट के अंदर, जो सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है, इसका मतलब वो सोल्यूट उस सोलवेंट के अंदर सोल्युबल है। समझ में आई बात, चीनी पानी के अंदर डिजोल्व हो रही है तो चीनी ही पानी के अंदर सोल्युबल है, ठीक है जी। तो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। 100 ग्राम एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट में अगर सोल्यूट अगर डिजोल्व हो जाता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है किसी गिर दिए हुए टेम्परेचर के ऊपर, उसी को क्या बोलेंगे, हम सोल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशंस क्या हो जाएगी, इस डेफिनेशंस क्या लिखेंगे कि भाई the maximum amount of solute is dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent to form a saturated solution at given temperature are called solubility। Saturated solutions का मतलब क्या होता है, saturated solution का मतलब होता है अगर जब मान लो चीनी पानी के अंदर dissolve कर दे, एक ग्लास पानी लिया उसमें आप चीनी dissolve करते जा रहे हो, ठीक है, दो चम्मच लिया, तीन चम्मच लिया, चार चम्मच लिया, पांच चम्मच लिया, दस चम्मच लिया, ठीक है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिस स्टेज के ऊपर चीनी पानी में घुलना बंद कर देगी, भाई आपने एक ग्लास पानी लिया उसमें चीनी डिजोल्व करते जा रहे हो, ठीक है, डिजोल्व करते जा रहे हो, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें चीनी पानी के अंदर घुलना बंद कर देगी, डिजोल्व होना बंद कर देगी, वो स्टेज क्या होगी आपकी सैचुरेशन स्टेट, वो क्या होगी आपकी सैचुरेशन स्टेट होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम सैचुरेशन स्टेट बोलेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अगर हम डिजोल्व कर देते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, उसी को क्या बोलते हैं हम सोल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। किस में ध्यान रखना, 100 ग्राम तो सोलवेंट में डिजोल्व करनी है। सिंपल सी बात है कि जो चीज सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सोल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी तक हम मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंट में क्या लिखते थे, भाई मास ऑफ सोलवेंट या फिर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या लिखेंगे कि भाई मास ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व डिवाइडेड बाई मास ऑफ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन की जगह क्या लिखेंगे, सोलवेंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 100 ग्राम सोलवेंट में डिजोल्व हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो क्या लिखोगे आप, मास ऑफ सोल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ क्या सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, ये क्या होगी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो क्वेश्चंस लेता हूं आपको, ठीक है क्वेश्चंस लेता हूं भाई। मान लो कोई 4 ग्राम है, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व क्या आता है, क्या आता है, कैलकुलेट कैलकुलेट द सॉल्यूट कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट बताइए। ठीक है, बोलो भाई आंसर बताओ। 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, डिजोल्व किया जा रहा है 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 40 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जाए, सॉल्युबिलिटी निकालना है। सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी जी सॉल्यूट की, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम, कम क्वांटिटी कितनी है 4 ग्राम, 4 ग्राम कितना है मास ऑफ सॉल्यूट, डिजोल्व कितना है कितने में 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 40 ग्राम इंटू कितना 100, कितना होगा 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम में मिलाओगे तो वो आपको कंप्लीट सोल्यूबल होगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनेगा। समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशंस क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में, अगर क्राइटेरिया डिसाइड किया गया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, डिसाइड 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व करोगे सॉल्यूशन बन जाए तो उसी को क्या बोलेंगे आप, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये इसका एक न्यूमेरिकल था, सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है कि भाई सॉल्यूट दिया होगा आपको, सॉल्वेंट दिया होगा और आपसे क्या पूछेगा भाई, सॉल्युबिलिटी पूछेगा, क्या पूछेगा जी सॉल्युबिलिटी पूछेगा। अब देखो इसी से इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब उसी एग्जांपल पे आ जाओ भाई, हम पानी के अंदर चीनी मिला रहे हैं, ठीक है पानी के अंदर हम चीनी मिला रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जिसकी, कौन सी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज आएगी जिसमें चीनी पानी के अंदर घुलना बंद कर देगी, चीनी पानी के अंदर डिजोल्व होना बंद कर देगी। ठीक है, लेकिन आप भी क्या हो, जिद्दी हो कि भाई आपने, लेकिन आप भी अभी भी सैचुरेशन स्टेज आने के बाद भी हम भी क्या है भाई, जिद्दी, हम भी क्या उसमें पानी को, हम भी उसमें चीनी मिलाना, हम भी उसमें चीनी क्या मिलाना चाहते हैं। ठीक है, हमने पानी, एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी मिलाते गए, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ गई जिसमें चीनी पानी के अंदर घुलना बंद कर गई, लेकिन फिर भी हम अभी भी हमारी जिद है कि भाई हम पानी के अंदर चीनी मिलाना चाहते हैं, सैचुरेशन स्टेज आने के बाद चीनी पानी के अंदर घुलना बंद कर गई, लेकिन फिर भी हम चीनी को पानी के अंदर, और चीनी पानी के अंदर मिलाना चाहते हैं, डिजोल्व करना चाहते हैं, तब उसका क्या तरीका है। अब उसका तरीका यह है कि जो सॉल्यूशन था, जो शुगर है वो पानी में जो मिलाई थी, उसको क्या रख दो आप गैस के ऊपर रख दो, उसको क्या कर दो, उसको हीट कर दो, मतलब उसको टेम्परेचर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, तब आप उसमें और भी चीनी क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि सैचुरेशन स्टेज आने के बाद भी, ऐसे स्टेज आने के बाद भी जब चीनी पानी के अंदर घुलना बंद कर गई थी, तब भी एक तरीका ऐसा है जिसमें चीनी को और भी जोर किया जाता है, वो तरीका क्या है, उसको टेम्परेचर दे दो, उसको हीट दे दो, उसको हीट प्रोवाइड कर दो, तब उसको जितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे उसमें उतना ही ज्यादा, उसमें उसके बाद भी उसमें उतनी ज्यादा चीनी मिला सकते हो। ठीक है, सैचुरेशन स्टेज आने के बाद उसमें चीनी मिलाया जा सकता है, बशर्ते आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी और मिला सकते हो, मतलब डिजोल्व कर सकते हो, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो मतलब क्या कहूं कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से हीट एनर्जी देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज की, ऑफकोर्स इंक्रीज की ना भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज की। लेकिन एक चीज और आती है इसमें, दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास,
ठीक है, अभी वो प्रोसेस बताऊंगा। एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। उन दोनों दोनों प्रोसेस में अलग अलग इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर के और सोलिबिलिटी घटने के और बढ़ने के। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस तो वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी क्या की जाती है, ली जाती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक। तो पहले वो प्रोसेस लिखो, फिर उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। ठीक है, वो पहला प्रोसेस क्या है इसमें, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी ली जाती है। शुगर को पानी के अंदर, चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, लेकिन हम अब उसमें क्या कर सकते हैं, हम और चीनी मिलाने के लिए टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर पे क्या किया जा रहा है, इंक्रीज करना है। तो मतलब हीट एनर्जी उस शुगर के सोल्यूशन में हीट एनर्जी क्या ली, हीट एनर्जी क्या है एब्जॉर्ब की, तो वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, इफ द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कोल्ड, यदि हीट एनर्जी क्या की जाए, एब्जॉर्ब की जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज करती है, जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, उसी प्रोसेस को क्या बोलाते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जिसमें एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज होती है, उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसमें क्या लिखोगे, इफ द हीट एनर्जी इज रिलीज, इफ द हीट एनर्जी इज रिलीज देन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो उसको क्या करेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, उसको एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज की जा रही है या बाहर निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इसमें हम प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में सोलिबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। एंडोथर्मिक में क्या इफेक्ट पड़ता है सोलिबिलिटी, और एक्सोथर्मिक में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ, अब क्या इसी के अंदर लिखना आपको, इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस पे सोलिबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक का प्रोसेस क्या है, जब हीट एनर्जी ली जा रही है, चीनी को पानी के अंदर हमने डिसॉल्व किया, ठीक है, और एक सैचुरेशन स्टेज आ गई। ठीक है, अब हम चीनी को और मिलाना चाहते हैं, तो हम उसको क्या किया, गैस के ऊपर रख दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो शुगर सॉल्यूशन था, जो शुगर सॉल्यूशन था, ठीक है, उसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उसने हीट को एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब हीट को एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर गई। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, किस प्रोसेस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस क्या लिखोगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस सोलिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज द क्या, विद इंक्रीज द टेम्परेचर, विद इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी क्या करती है जी, इंक्रीज करती है, किस प्रोसेस में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में। ठीक है, अब देखो, अब उसी प्रोसेस में इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिख लो पहले, इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑन एंडोथर्मिक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वही
NaCl है, पोटेशियम आयोडाइड है, पीटीसी, ये एक ऐसे हैं जो कि वाटर में डिसोल्व करोगे और फिर उसके बाद उसको हीट करोगे तो सोलिबिलिटी को भी क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। अब क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ सोलिबिलिटी ऑन किसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या बताया था भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी क्या करती है आपकी, रिलीज करती है। तो इस जिस अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जस्ट उल्टा होता है कि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इन दिस प्रोसेस सोलिबिलिटी इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट और क्या, सीरियम सल्फेट, ईटीसी, ये एक ऐसे सॉल्यूट हैं जिसको पानी के अंदर मिलाओगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे पता चलेगा भाई, एक गिलास पानी लिया आपने, ठीक है, एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने अगर लिथियम कार्बोनेट मिला दिया तो वो क्या करता है, लिथियम कार्बोनेट क्या किसमें लिखवाया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करती है। एक ग्लास पानी में लिथियम कार्बोनेट मिलाया तो वो पानी है, वो ग्लास है, वो बाहर से आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एक ग्लास पानी में लिथियम कार्बोनेट मिला होगा तो ग्लास पानी है वो क्या हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है लिथियम कार्बोनेट एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन उसी ग्लास में अगर उसमें शुगर मिला रहे हो, NaCl मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो या फिर नमक मिला रहे हो, तो वो पानी गर्म होता है, नहीं होता है। इसका मतलब वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। समझ में आ रहा है, कब एनर्जी रिलीज कर रहा है, कब पता चलेगा आपको, कब एनर्जी रिलीज की, कब एनर्जी रिलीज नहीं की। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज नहीं करता है मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस में सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। लेकिन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करती है और उसमें क्या करता है, सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, तो सोलिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, सोलिबिलिटी कैसे निकालते हैं वो समझ में आया, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है तो वो समझ में आया, एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक में वो समझ में आया, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंडोथर्मिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है और एक्सोथर्मिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझ में आया। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ढंग से अच्छे से समझना, इसको अच्छे से लिखना फेयर नोटबुक में और अच्छे से लर्न करना। ओके, थैंक यू सो मच, और इस चैनल को अच्छे से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन बच्चों को अच्छे से शेयर करना जिन बच्चों को इन वीडियो की एक्चुअली में जरूरत है। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।